फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है घातांक एवं करणी का दूसरा भाग है, पार्ट टू है। पार्ट वन पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके बार बार देखिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें, बिल्कुल उसका सलूशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक तथा शेयर बिल्कुल करते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 3 पावर x + y = 81 तथा दिया है 3 पावर x + y = 81 और अगला दिया है 81 पावर x - y = 3, 81 पावर x - y = 3, तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले वाले कंडीशन को अगर देखते हैं तो पहले वाले कंडीशन से मिलेगा 3 to the power x + y = 3 to the power 81 होता है, 3 का 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81। आप देख रहे हैं कि बेस बराबर है, बिल्कुल इसको छोड़ देंगे तो x + y = 4 एक इक्वेशन मिल गया। अगर दूसरे वाले कंडीशन को देखें तो यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 और इसको लिख सकते हैं x - y = 3। आप जानते हैं कहीं लिखा हो a to the power m, तो बिल्कुल लिखते हैं a to the power m (n), मतलब पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 4y = 3 पे पावर ए, तो यहाँ से 3 पावर 1 हो जाएगा, बेस बराबर है, तो लिख सकते हैं 4x - 4y = 1। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल गया हमको, यहाँ से x का मान पता करना है तो हम इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके और 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4x + 4y = 4×16 और दूसरे इक्वेशन को रख लेंगे तो 4x - 4y = 1 सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा 4x 8x = 16 और 1 17 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 17/8 यानी x का मान 17/8 प्राप्त होगा। बिल्कुल आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पंचमूल में दिया है x^-3/5 पे पावर दिया है -5/3 पे पावर दिया है पांच का सरलीकृत मान क्या होगा या सरलीकृत रूप क्या होगा। बिल्कुल इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, बस बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। कहीं लिखा हो a^m पे पावर लिखा हो n पे पावर लिखा हो l पे पावर लिखा हो k, तो आप सीधे सीधे पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a पे लिख देंगे m (n)(l)(k) या m(n)(l)(k) इसका मान होगा, मतलब पावर का पावर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल एक लाइन इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका x पे पहले तो पावर दिया था -3/5 × आप सीधे रूट पे आते हैं, रूट का मान होता है 1/, इस रूट का मान हो जाएगा 1/5। जब स्क्वायर रूट होता है तो इसका मान होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिख दें तो 2 पे होता है 1/2, क्यूब रूट के अंदर 2 लिख दें तो 2 पे 1/3, अगर पंचमूल के अंदर 2 लिखते हैं तो 2 पे पावर होता है 1/5, इसी को अप्लाई कर लेंगे तो इस पे रूट के अंदर 5 है तो 1/5 × फिर पावर था तो -5/3 फिर पावर था तो लिख लेंगे 5, यानी यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं x^1 = x, यानी सवाल का आंसर हो जाएगा बिल्कुल x। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x = 2 + 2/3 + 2/1/3 हो तो x की -6x² + 6x का मान बताइए। दिया है x = 2 - 2/2 - 2/1/3 हो तो आपको बताना है 2/2 = 2/3 / 1/3, तो आपको बताना है प्लस प्लस है तो आपको बताना है x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, कम से कम इसमें 2 सवाल देखेंगे 2 पैटर्न के। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपसे जो मान पूछा है x³ - 6x² + 6x, तो आपको देखने से पहले ही पता चल रहा है कि x³ का मान पूछ रहा है, यानी हमको सबसे पहले सब क्यूब करना पड़ेगा, वो भी 2 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x - 2 = 2/2 / 2/3
दो बटे तीन प्लस दो पे पावर एक बटा तीन। यहाँ से दोनों पक्षों का घन करेंगे तो घन करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस दो का होल क्यूब बराबर दो पे पावर दो बटा तीन प्लस दो पे पावर एक बटा तीन का होल क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दो का घन आठ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी तो तीन दुना के छः यक्स और कोष्टक होता है एक्स माइनस टू ए माइनस बी बराबर यहाँ से करेंगे ए क्यूब तो आप दो बटे दो का क्यूब करेंगे तो तीन हो जाएगा और तीन से तीन कटेगा दो का स्क्वायर बचेगा तो ए क्यूब मतलब दो का स्क्वायर प्लस बी क्यूब तो दो पे पावर एक बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी तो यहाँ से हो जाएगा थ्री इंटू दो पे पावर दो बटा तीन इंटू दो पे पावर एक बटा तीन और कोष्टक में ए प्लस बी तो आप सीधे सीधे लिखेंगे दो पे दो बटा तीन और प्लस दो पे पावर एक बटा तीन। तो यहाँ से अगले लाइन में हम जाएंगे तो मिलेगा यक्स पावर तीन माइनस आठ माइनस छः यक्स का मल्टीप्लाई छः एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस छः दुना के बारह यक्स बराबर दो का स्क्वायर चार प्लस दो का एक पावर एक एक प्लस तीन गुड़े। आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई साइन होता है बेस बराबर होता है पावर को ऐड करते हैं दो एक तीन बटा तीन यानी इसको सॉल्व करेंगे दो पे हो जाएगा एक और इसको हम रख सकते हैं समीकरण एक से अगर देखें इससे तो इसका मान हम रख सकते हैं इसके जगह रख सकते हैं एक्स माइनस दो तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस दो। अगले लाइन में आएंगे तो यक्स क्यूब माइनस आठ माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस बारह यक्स बराबर चार एक पाँच प्लस दो का पावर एक दो तिहाई छः और ब्रैकेट के अंदर है यक्स माइनस टू यानी यक्स क्यूब माइनस आठ माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस बारह यक्स बराबर पाँच प्लस छः यक्स माइनस छः दुना के बारह। सबको यक्स वाले को इस साइड लाते हैं तो यक्स वाले को इस साइड अगर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स क्यूब और माइनस छः यक्स स्क्वायर यहाँ प्लस बारह यक्स दिया है इसको लाएंगे माइनस छः यक्स बराबर में पाँच माइनस बारह और माइनस आठ आ गए तो प्लस आठ हो जाएगा यानी बोल सकते हैं यक्स क्यूब माइनस छः यक्स स्क्वायर प्लस बारह यक्स में से छः यक्स घटाएंगे तो प्लस छः यक्स बराबर बारह पाँच और आठ आठ पाँच तेरह में से बारह गया आंसर हो गया यक्स यानी यक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस छः यक्स का मान हो जाएगा एक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखते रहिए और बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लें। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए दोस्तों को शेयर भी बिल्कुल करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है टू टू दी पावर एक्स बराबर थ्री टू दी पावर वाई बराबर सिक्स टू दी पावर माइनस जेड हो तो वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड का मान क्या होगा। तो आपको दिया है टू टू दी पावर एक्स बराबर थ्री टू दी पावर वाई बराबर जेड टू दी पावर माइनस सिक्स और आपसे पूछा है वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड का मान क्या होगा। तो अगर टू के पावर एक्स थ्री के पावर वाई और जेड के पावर माइनस सिक्स सारे इक्वल है तो क्या हम बराबर के मान सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कंडीशन को k के साथ उठाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू दी पावर x बराबर k या 2 बराबर k की पावर 1 बाई x। बिल्कुल हम देख सकते हैं अगर कहीं लिखा हो कि 2 के पावर 3 बराबर x लिखा हो तो 2 बराबर लिख सकते हैं x पावर ये 3 है तो 1 बटा 3 जब पावर जाता है तो उतने का वो मूल बन जाता है रूट बन जाता है। इसी तरह अगले वाले को देखेंगे 3 टू दी पावर y बराबर k दिया है तो 3 बराबर हो जाएगा k टू दी पावर y k टू दी पावर वन अपान वाई और लास्ट में अगर दिया है यहाँ से जेड टू दी पावर माइनस सिक्स बराबर के तो जेड पर पावर हो जाएगा के जेड बराबर के पावर माइनस वन अपान सिक्स। तो अब हमको निकालना है हम जानते हैं कि दो गुणे तीन बराबर सॉरी दो तीन और ये क्या था छः था सॉरी दो तीन और छः पे पावर माइनस जेड था बिल्कुल गलत हो गया था तो इसका थोड़ा सा मिस्टेक था सही कर लेंगे। तो यहाँ पर छः पे पावर माइनस जेड होगा तो छः बराबर हो जाएगा के बराबर माइनस वन अपान जेड। आप जानते हैं कि दो इंटू तीन दो गुणे तीन बराबर छः होता है तो दो गुणे तीन बराबर अगर छः होता है तो दो का मान यहाँ से दिया है के टू दी पावर वन अपान एक्स गुणे तीन का मान दिया है के टू दी पावर वन अपान वाई बराबर छः का मान दिया है के टू दी पावर माइनस वन अपान जेड। आप जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है मल्टीप्लाई साइन होता है तो पावर को ऐड करते हैं मतलब वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई बराबर ये माइनस सॉरी के पावर है
तो बराबर के पावर हो जाएगा माइनस वन अपान जेड, बेस बेस बराबर है, छोड़ देंगे वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई बराबर माइनस वन अपान जेड, सबको एक साइड लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड बराबर जीरो, यानी इसका मान हो जाएगा जीरो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई प्लस वन अपान जेड का मान जीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है यदि टू दी पावर एक्स प्लस वन प्लस टू टू दी पावर सॉरी टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस टू टू दी पावर एक्स प्लस वन बराबर 320 हो तो एक्स का मान बताइए। अगला क्वेश्चन दिया टू टू दी पावर टू एक्स माइनस वन प्लस टू टू दी पावर एक्स प्लस वन बराबर दिया है 320, तो आपसे पूछा है कि यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान पूछा है आपसे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अभी जो रूल बताए थे यहाँ पे एक बार से पहले देखे थे कि यदि a टू द पावर m गुणे b टू द पावर सॉरी a टू द पावर m गुणे a टू द पावर n हो तो लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n, या इसी को उल्टा अगर पावर में पॉजिटिव है दोनों को अलग कर सकते हैं बीच में मल्टीप्लाई साइन कर सकते हैं, या a टू द पावर m भागे a टू द पावर n हो तो उसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, या कभी पावर में माइनस हो तो इसको अलग लिख सकते हैं और बीच में भाग का साइन दे सकते हैं, डिवाइड का साइन दे सकते हैं। बिल्कुल उसी को अप्लाई करेंगे, टू टू द पावर x माइनस वन था इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर x माइनस है तो भाग रहा होगा तो बटे में टू टू द पावर वन कर लेंगे, बीच में प्लस था टू टू द पावर x प्लस वन मतलब मल्टीप्लाई रहा होगा तो टू टू द पावर x इंटू टू टू द पावर वन बराबर 320 हो जाएगा। आप देख रहे हो दोनों में से पावर दो पे पावर x कामन है तो दो पे पावर x कामन लेंगे, बचेगा एक बटा दो पे पावर एक मतलब दो प्लस दो पे पावर एक का मतलब दो बराबर 320, यानी टू टू दी पावर यक्स इंटू दो एकम दो, दो दुना के चार और एक पाँच, पाँच बटे दो बराबर 320, पाँच छक्के तीस, पाँच चौके बीस, चौंसठ दुना के 128, दो के पावर यक्स बराबर 64 गुणे 2 64 पे हो जाएगा 6 और एक ये पावर हो गया 7, तो 2 टू द पावर x 64 32 दुना के 64 होता है, 2 पे पावर 6 गुणे 2 पे पावर 1 क्योंकि 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64, 2 पे पावर 6 गुणे 2 पे पावर 1 गुणा है बेस जोड़ देंगे 6 एक 7 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर x बराबर 6 और एक 7 2 पे पावर हो जाएगा 7, बेस का तुलना कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7, यानी x का मान हो जाएगा 7। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n का मान क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n का मान क्या होगा पूछा गया है, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी जो देखे थे माइनस वाला रूल कि a टू द पावर m भागे a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m माइनस n, इसको बिल्कुल इसी को अप्लाई करते चलेंगे तो अगर पावर माइनस है तो इसको हम भाग में भी बना सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 बिल्कुल भाग रहा होगा a टू द पावर n बटे a टू द पावर m, यहाँ पे प्लस था तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर m माइनस है तो बटे में a टू द पावर n हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं a टू द पावर 1 का m में तो 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m प्लस हो जाएगा 1 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा मतलब बन जाएगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n प्लस ये ऊपर चला जाएगा a टू द पावर n और इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, यहाँ से बेस बराबर है तो इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n और बटे में दोनों में बराबर था a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n सेम से सेम कट जाएगा आंसर मिल जाएगा a, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल a। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है यदि x टू द पावर a यदि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b पावर 1 अपॉन ab इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c पे पावर 1 अपॉन bc इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a पे पावर 1 अपॉन ca, तो आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो बिल्कुल इजी अप्लाई कर लेंगे। आप जानते हैं कि जब भाग का साइन होता है a टू द पावर m भागे a टू द पावर n, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, तो भाग वाले में m माइनस n मतलब माइनस करते हैं पावर को, तो ये भाग दिया गया इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x टू द पावर a माइनस b और बाहर दिया है 1 अपॉन ab, तो 1 अपॉन ab इंटू x को लिख सकते हैं b माइनस c,
और बाहर दिया है 1/BC इनटू इसको लिख सकते हैं x टू द पावर c माइनस a और बाहर दिया है 1/CA या AC। अब आप जानते हैं कि पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो x पे हो जाएगा a माइनस बी अपान ए बी इंटू एक्स पे b माइनस सी अपान बी सी इंटू x पे c माइनस ए अपान सी ए। और आप बेस जब बराबर होता है मल्टीप्लाई साइन होता है तो आपको पता है पावर को ऐड कर लेते हैं तो x पे हो जाएगा a माइनस बी अपान ए बी प्लस बी माइनस सी अपान बी सी और प्लस सी माइनस ए अपान सी ए। अब यहाँ पे ए बी बी सी सी ए का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो x पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा ए बी सी और ए बी सी कटेगा तो सी हो जाएगा सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी से बी सी कट जाएगा ए बचेगा ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा और प्लस सी ए से सी ए कटेगा तो बी बचेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस ए बी हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी कटेगा 0/ABC यानी x पे पावर हो गया 0 और किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान होता है 1 तो बिल्कुल इसका मान हो जाएगा 1 तो x टू दी पावर 0 बराबर 1 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपान में दिया है 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n। मतलब अगला क्वेश्चन दिया 2 टू दी पावर n प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपान में 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, आप सॉल्व करिए बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाते रहिए राग, बताइए जल्दी से। आगे देखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। यहां माइनस साइन दिया है तो माइनस के लिए हम यहां पे जब माइनस कब होता है जब भाग में होता है पावर यानी a टू द पावर m भागे a टू द पावर n होता है तो लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n यानी माइनस में तो भाग कर सकते हैं। यहां पे तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर n अपान में 2 टू द पावर 1 बटे में यहाँ पे यंग प्लस कब होता है जब मल्टीप्लाई साइन होता है ए टू दी पावर यंग गुड़े ए टू दी पावर यंग तो लिखते हैं ए टू दी पावर यंग प्लस वन यानी यंग प्लस यंग यानी पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई साइन रहा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई 2 के घात 1 माइनस 2 के घात n। यहाँ अगले लाइन में आगे 2 पे घात n यहाँ दोनों में है 2 पे घात n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1/2 यानी 2 हो गया और नीचे 2 पे n कॉमन ले लेंगे 2 पे n तो बचेगा 2 पे घात 1 मतलब 2 माइनस 1 यानी इसका आंसर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अगले लाइन में जाएंगे यहाँ से तो हमको मिल जाएगा 2 पे n से 2 पे n कैंसिल हो गया 2 दुना 4 = 5, 5/2 दो में से एक गया 1 यानी आंसर हो गया 5/2 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है 2 × 2 = 3 होगा ना कि 5 होगा 2 × 2 = 3 यहाँ से हो जाएगा 3/2/1 यानी आंसर हो जाएगा 3/2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 = 1/8x - 3 तो x का मान बताइए। दिया है 2 टू दी पावर 2x - 1 = 1/8 या 8 पावर दिया है x माइनस 3 तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। यदि ये 2 पे पावर दिया है तो इसको भी हम 2 का पावर बना लेंगे, बेस को इक्वल कर लेंगे तो पावर को पावर के बराबर करके उसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं 2 पे पावर दिया है 2x - 1 = यहाँ पे 8 लिखा है तो 1 पे 2 8 का पावर होता है 2 पे 3 तो 2 पे 3 और पावर का पावर दिया था x माइनस 3 यानी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x - 1 = 1/2 2 पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 = 9 यानी यहाँ से हो जाएगा 2 पे पावर 2x - 1 = 2 पे पावर 3x - 9 दिया है। अगर बेस में पावर होता है अगर बेस से ऊपर ले जाएंगे अंश पे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और लिख सकते हैं 2 पे पावर -3x - 9 यहाँ पे बेस बराबर है तो बेस को छोड़ देंगे बोल सकते हैं कि 2x - 1 = इसको बोल सकते हैं कि 2x - 1 = -3x - 9 तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 1 = -3x - -+9 ये 2x है
और ये माइनस तीन एक्स आएगा तो प्लस तीन एक्स बराबर नौ, माइनस वन बराबर प्लस वन, तीन दो पांच एक्स बराबर नौ एक दस, या एक्स बराबर दस बटे पांच, या एक्स का मान आएगा दो। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा दो। तो बिल्कुल बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लगातार आगे ढेर सारी वीडियो आएगी जो आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। और आगे एग्जाम वाइज भी वीडियो बनेंगे, जैसे यूपीपी का अगर एग्जाम आता है तो यूपीपी का अलग से बनेगा, यूपीएसआई का आता है तो यूपीएसआई का अलग से बनेगा, आरआरबी एनटीपीसी का अलग, ग्रुप डी का अलग, और प्रैक्टिस सेशन उसी तरह से हमेशा चलता ही रहेगा। तो प्रैक्टिस सेशन को करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और वीडियो को देखते रहे, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।